अगर उनके 56 इंच के सीने होते ना तो वो मणिपुर पे बात करते। मोदी जी का 56 इंच का सीना सिर्फ कहने में है, कहते ना उनकी कथनी और करनी में फर्क है। 56 इंच का सीना मणिपुर पे नहीं आता, 56 इंच का सीना किसानों पे नहीं आता, 56 इंच का सीना ओपीएस पे नहीं आता। किस बात 56 सीना है, सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए? बीजेपी सरकार डरी हुई है, तभी तो वो संजय जी को अंदर कर रही है, कार्रवाई कर रही है। ईडी सीबीआई को अपने जेब में रख के बैठी है। बीजेपी ने कोई काम किया आज तक सिवाय हिंदू मुस्लिम के? ये इलेक्शन का सब प्रोपेगेंडा है इनका, इलेक्शन जीतने का तरीका है। ये बिल्कुल ही बेबुनियादी गिरफ्तारी है जिसको हरगिज नहीं सहा। बीजेपी भ्रष्टाचार कम कर रही है, हमारे अकॉर्डिंग तो बीजेपी भ्रष्टाचार को और बढ़ावा दे रही है। 24 में जनता इनको अच्छे से जवाब देगी। जिस तरीके से ये लोकतंत्र की हत्या करी गई है, ये हरगिज अन्याय है। आधी आबादी के पे वोट तो लेना चाहते हैं लेकिन आधी आबादी को वो न्याय नहीं दिला पाते हैं। ये भाजपा नारा लेके आई थी ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, भाजपा के नेताओं से बेटी को बचाए। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर, जहाँ कल संजय सिंह को शराब के घोटाले के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, तो उसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। तो बताइए, जैसे कि संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसमें क्या? संजय सिंह को गिरफ्तार किया कि अलायंस के मेन प्रवक्ता मेन आवाज थे संजय सिंह जी। 2024 में मोदी जी चुनाव हारने जा रहे हैं, उनको पता था, सिसोदिया जी को अंदर कर रखा, अभी तक कोई भी उनके पास सबूत नहीं मिला। संजय जी को गिरफ्तार किया, जांच हुई शाम को 5 बजे तक। उन पे शराब के घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है, आरोप तो किसी भी लगा सकते हैं। आरोप सिद्ध हुआ आज तक, सिसोदिया जी पे आरोप सिद्ध नहीं हुआ, उन पे आरोप सिद्ध कर लेंगे। ये सिर्फ मोदी जी को पता है, वो चुनाव हारने जा रहे हैं, इंडिया अलायंस वो डरे हुए हैं और डर के ये कार्रवाई कर रहे हैं। 56 इंच का सीना है मोदी जी का, कैसे डरेंगे? 56 इंच का सीना मणिपुर पे नहीं आता, 56 इंच का सीना किसानों पे नहीं आता, 56 इंच का सीना ओपीएस पे नहीं आता। किस बात 56 सीना है? सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए, गोदी मीडिया को जेब में बिठाने के लिए, यही 56 इंच का सीना उनका है। पर बीजेपी सरकार कह रही है आप लिख के ले लो, 2024 में बीजेपी ही आएगी। कौन बोलता है? बीजेपी सरकार बोल रही है। बीजेपी सरकार डरी हुई है, तभी तो वो संजय जी को अंदर कर रही है, कार्रवाई कर रही है। ईडी सीबीआई को अपने जेब में रख के बैठी है। बीजेपी ने कोई काम किया आज तक सिवाय हिंदू मुस्लिम के? ना किसानों बोलती, ना महिलाओं बोलती, ना गरीब बोलती, ना भ्रष्टाचार बोलती है। सरकार तो अपना काम कर रही है ना, न्याय कर रही है। सरकार कोई काम नहीं करेगा, सरकार सिर्फ ईडी सीबीआई उठा रही है और उस पर डरा रही है और कोई काम नहीं कर रही। तो जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे इतने जनसंख्या में लोग आए हुए हैं और यहाँ पे बीजेपी के नारे लगाए जा रहे हैं, जैसे कि संजय सिंह को गिरफ्तार कर लेंगे। मैं तो यही बोलूंगा जी, संजय सिंह के घर पे ऐसा क्या मिला जिसको, जिससे अरेस्ट हुए संजय सिंह, वो जवाब देंगे मोदी जी। आज शराब के घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है, ये तो सब बेबुनियादी आरोप है। यहाँ तो कुछ मिलना है नहीं, शराब का कोई घोटाला नहीं हुआ। इनको तो इलेक्शन से हार का डर है, इससे हमारे नेता को अरेस्ट कर रहे हैं, वो हार से बचेंगे नहीं, पूरे देश में हारेंगे। यदि केजरीवाल के बाद सबसे बड़ा चेहरा संजय सिंह थे तो अब आपकी पार्टी कमजोर नहीं हो जाएगी? नहीं, हमारी पार्टी का एक एक नेता केजरीवाल है, एक एक नेता संजय सिंह जी है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे नेता बाइज्जत बाहर आएंगे। अब पहले संजय सिंह, फिर मनीष सिसोदिया, अब तो केजरीवाल का नंबर है। कोई नहीं, हम सबका नंबर ले ले, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अच्छी तरह जीत के आएंगे। इनका जो भारतीय जनता पार्टी सरकार तो अपना काम कर रही है ना, न्याय कर रही है। सरकार कितनी न्याय कर रही है वो तो आप सबको पता है, मीडिया को भी पता है कि ईडी सीबीआई के द्वारा हमारे नेता को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो इसमें कोई दम नहीं है। ये इलेक्शन का सब प्रोपेगेंडा है इनका, इलेक्शन जीतने का तरीका है। दिल्ली में कहीं उसका दाल गलने वाला नहीं है, पूरी तरह हारेंगे। 5 राज्य का चुनाव बताएगा इनका कि इनकी जो रोज का जो ये कहानियां है वो कैसे खत्म होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे उसमें नारे लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पे ईडी से गिरफ्तार कर लिया है संजय सिंह को, तो कहा जा रहा है कि बीजेपी हटाओ और तानाशाही बंद कराओ। जैसे कि यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं कि तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र की हत्या बंद करो और संजय सिंह को बर्खास्त करो, उनकी गिरफ्तारी को हटाया जाए, जो भी उन पे घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बातचीत करेंगे। जैसे कि संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, अब तो आपकी पार्टी कमजोर नहीं हो जाएगी?
कमजोर क्यों होगी, और भी काफी सारे नेता हैं जो बहुत सशक्त हैं, और ये बिल्कुल भी बेबुनियादी गिरफ्तारी है जिसको बिल्कुल भी सहा नहीं जाएगा। मोदी जी तो अपना काम कर रहे हैं ना, न्याय कर रहे हैं। क्या न्याय कर रहे हैं, उनसे ये पूछिए कि क्या मिला है उन्हें कल संजय सिंह जी के घर पे जो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं आपको फिर से यही कहना चाहूंगा, ये बिल्कुल ही बेबुनियादी गिरफ्तारी है जिसको हरगिज नहीं सहा जाएगा। लेकिन उनके ऊपर शराब के घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है, तभी तो गिरफ्तार करा है। पर कल कोई भी ऐसा चीज नहीं मिली है जिससे कि ये चीज साफ हो सके कि शराब घोटाले में उनका हाथ है। और शराब घोटाला, पहली बात की कोई घोटाला ही नहीं है, ये बात ही गलत है कि शराब घोटाला आरोप लगाए तभी जी उनके ऊपर आरोप लगे तभी तो गिरफ्तार है, ऐसे थोड़ा गिरफ्तार। बिल्कुल ही बेबुनियादी आरोप है, उनके घर का चप्पा चप्पा छाना गया और कुछ भी नहीं मिला। और जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का स्वागत संजय सिंह जी ने हफ्ते हफ्ते किया है, वो एक अपने आप में ही एक विश्वास दिलाता है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं। मोदी जी कह रहे हैं कि 2024 में आप लिख के ले, वही आएंगे बीजेपी सरकार ही। 2024 में जनता इनको अच्छे से जवाब देगी। जिस तरीके से ये लोकतंत्र की हत्या करी गई है, ये हरगिज अन्याय है, ये बिल्कुल भी सहा नहीं जाएगा। भारत की जनता इसको बिल्कुल भी नकार रही है। बीजेपी तो भ्रष्टाचार कम कर रही है, बीजेपी तो भ्रष्टाचार कम कर रही है। ऐसा कहाँ लिखा है, ऐसा कहाँ क्या प्रूफ हो रहा है कि बीजेपी भ्रष्टाचार कम कर रही है? हमारे अकॉर्डिंग तो बीजेपी भ्रष्टाचार को और बढ़ावा दे रही है। पहले मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, फिर संजय सिंह, अब केजरीवाल की बारी है। वो तो जी के अपना मोदी जी को ही पता होगा जिस तरीके से वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है, तो उन्हीं से हम लोग यहाँ पे बातचीत करेंगे। तो संजय सिंह को गिरफ्तार किया, देखिए संजय सिंह जी को साजिशन गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि ये बीजेपी डरी हुई है और ये अब ये देख रही है कि इनके सामने एक आम आदमी पार्टी है जो खड़ी है, इसलिए ये आम आदमी पार्टी को डराने के लिए संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया। पर बीजेपी क्यों डरेगी, 56 इंच का सीना है मोदी जी का, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किए हैं, उन्होंने सारे घोटाले। अगर उनके 56 इंच के सीने होते ना तो वो मणिपुर पे बात करते, मोदी जी का 56 इंच का सीना सिर्फ कहने में है। कहते ना उनकी कथनी और करनी में फर्क है, लेकिन मोदी जी तो न्याय कर रहे हैं ना, तभी तो पकड़वाए आरोपियों। मणिपुर में कितना न्याय हुआ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मणिपुर की महिलाओं को न्याय मिला क्या? सोच जताया तो है मोदी जी ने, उनकी निंदा सिर्फ 2 मिनट मिले उनको, मणिपुर की महिलाओं के लिए सिर्फ 2 मिनट उनके पास है। वो आधी आबादी पे आधी आबादी के पे वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन आधी आबादी को वो न्याय नहीं दिला पाते हैं। आधी आबादी को कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, ये भाजपा नारा लेके आई थी ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, भाजपा के नेताओं से बेटियों को बचाए किससे बताएं? मोदी जी ने आज तक जितने भी मामले हुए, सारे महिलाओं का जितना भी बलात्कार हुआ उसमें भाजपा के नेता लिप्त पाए गए। आप देख लीजिए इसी दिल्ली की सड़कों पर हमारी खिलाड़ी बहनें कैसे प्रताड़ित की गई, और एक बीजेपी का सांसद था, क्या उसके खिलाफ मोदी जी न्याय ले पाए, न्याय कर पाए? वहाँ पर नहीं कर पाए ना। जैसे कि आप देख, इनका सीना कहाँ है, मैं पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कहाँ है मोदी जी का 56 इंच का सीना है? तो क्यों डरेंगे वो, अगर उनका 56 इंच का सीना होता तो जो खिलाड़ी बहने हमारी बैठी थी उनको न्याय मिलता, वो सांसद से डरना चाहते। तो इसलिए ये झूठ है पूरी तरह से, सिर्फ ये राज करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जनता आक्रोश जता रही है और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रही है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि संजय सिंह को जो गिरफ्तारी हुई है उसको बर्खास्त किया जाए। तो आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता आवाज़।